आज जो हम गुफ्तु करेंगे वो एक तरह की एक्सटेंशन होगी उस गुफ्तु की जो हमने पिछले हफ्ते की थी और उसको हम आगे बढ़ाएंगे और एंड पे उसी तरह सवाल जवाब का एक छोटा सेशन हम रखेंगे उसमें जो भी चीज़ आपके जहन में आए जो सवाल पैदा हो वो सवाल करें या कोई बात जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है वो समझ में नहीं आई ऐसा हो जाता है कि बात का पता नहीं लगा तो उसका भी सवाल बन सकता है मैं आपको दोबारा वो चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूँगा पिछले हफ्ते जो हमने बात की थी उसकी जो तो बेसिक थीम्स थी उनका तस्करा करके आज की मैं गुफ्तु से लिंक करूँगा जो बुनियादी तौर पर हमने पिछले हफ्ते बात की है उसमें एक एम्फिस ये था के हमारी तारीख जो है इस इलाके की तारीख पाकिस्तान की तारीख की जब हम बात करते हैं तो ये एक तवील तारीख है इसकी तारीख़ी जड़ें हम पीछे ढूंढते हुए चले जाते हैं और हो सकता है कि आज से कुछ अर्से के बाद कोई किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो उस रिसर्च के बाद कुछ नई चीज़ें दरियाफ्त कर ली जाएँ ये रिसर्च का सिलसिला तालीम का सिलसिला इल्म की जस्तजू का सिलसिला जो है वो चलता रहता है और उससे आपके इल्म में वसत आती है और बहुत सी बातें जो हम इस आ, इलाके यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करते हैं आज से हो सकता है चालीस पैंतीस चालीस साल पहले ये गुफ्तुना होती हो क्योंकि उस वक्त आ, इतना वसत नहीं थी तो ये इल्म जो है वो असल में आ, तलाश है आ, सच्चाई की ये है इल्म का बुनियादी मकसद सच्चाई की तलाश और ये वो तलाश है जो मुस्तिल जारी रहती है और वक्त के साथ ये आगे की तरफ़ बढ़ती है तो हमने ये कर, लास्ट वीक ये कहा कि एक तवील तारीख है और उस तवील तारीख में बड़ी तब्दीलियाँ हैं मुख्तलिफ़ के लोग हैं मुख्तलिफ़ की बादशाहतें हैंक्मरानियाँ हैं कुछ तवील हैं कुछ छोटी हैं कुछ का इंपैक्ट हिस्ट्री पे है कुछ का इंपैक्ट ना होने के बराबर है तो इसका मतलब यह है डाइवर्सिटी नज़र आती है हमें जब हम इस, इस इलाके की बात करते हैं ज़ुबान के हिसाब से बात करते हैं और उसके अलावा लोगों की सोच लोगों का फहम लोगों का जो है इंटरप्रेट करना वाकयात को माने देना वाकयात को वो मुख्तलफ़ हो सकते हैं और होते हैं तारीख़ पे इतनी किताबें लिखी हुई हैं जाहिर है वो हर शख्स तो हर किताब नहीं पढ़ सकता इतनी किताबें लिखी होती हैं एक वाक्य को मुख्तलिफ एंगल से देखा हुआ होता है तो चैलेंज जो हमारे माशरे के लिए बनता है या हमारे लिए बनता है वो ये है कि इस डाइवर्सटी में इतना कुछ अगर है तो उसमें एक सेंस ऑफ यूनिटी एक इतिहाद एक ताउन एक कोपरेशन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं ये है असल माशरे का चैलेंज एक अच्छा माशरा वो है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कम होता है बग़ैर कॉन्फ्लिक्ट के तो कोई माशरा नहीं होता लेकिन मैनेजेबल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप डील करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट या तजाद या झगड़े जो होते हैं उनको हल करने का तरीका माशरा क्रिएट करता है रियासत क्रिएट करती है उसके लिए कानून बनाते हैं बहुत से कानून के साथ साथ रवायात भी होती हैं जिन रवायात से भी बहुत से मामले आप तय करते हैं तो बुनियादी जो नुक्ता वो ये है कि उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो जिन बातों पे अगर कोई इख्तलाफ है आपस में गुफ्तु करें और रास्ता ढूंढने की कोशिश करें मामला को बेहतर चलाने के लिए और उसके बाद ये भी समझना ज़रूरी है कि ये कभी ना एक्सपेक्ट करें कि पूरे लोगों का हर इतने लोगों का सोच एक ही अंदाज़ में होगी दूसरे की सोच दूसरे के ख्याल को बर्दाश्त करना या उस पर बैठ के मामला को तय करना ये है माशरे का चैलेंज यानी बेसब्री और तशद या इंतहा पसंदी वो रुझाना हैं जिनकी हौसला शिकनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अच्छा माशरा वो है जहाँ माशरे के लोग खुद ही अपने मामला को तय कर लें खुद ही अपने लिए वो रास्ते बनाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो बेहतरी हो एक दूसरे के साथ मिल के रह सकें तो इसके लिए रवादारी जो है टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं उसका होना ज़रूरी है क्योंकि मामला उसी वक्त अच्छी तरह तय होते हैं जब हम टॉलरेंस से काम लेते हैं बात करते हैं गुफ्तगू करते हैं रास्ता ढूंढने के लिए गुफ्तु करते हैं झगड़ा करने के लिए गुफ्तू नहीं करते कि रास्ता निकाल लें यार ये मसला आ गया है ये मामला तय नहीं हो रहा इसको हमने तय करना है इस नीयत से अगर आप काम करेंगे तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स जो है गिव एंड टेक की बुनियाद पर कानून और असूलों के दायरे में रहते हुए हम ढूंढ सकते हैं ये हमारा यही सबसे बड़ा चैलेंज है जिसके लिए हम कानून हैं, लिए बनाते हैं जिसके लिए आइन बनाते हैं जिसके लिए हकूमत बनती है निज़ाम हकूमत बनता है जिस तरह यूनिवर्सिटी भी एक निज़ाम होता है एक सिस्टम यूनिवर्सिटी भी एक सिस्टम है उसका एक तरीक़ाकार है एक कानूनी बेसिस होता है हर हर सिस्टम का एक कानूनी बेसिस होता है जिस तरह यूनिवर्सिटी भी एक सिस्टम है उसका भी एक कानूनी बेसिस है उसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मुख्तलिफ़िमेदारियाँ सर अंजाम देनी होती हैं स्टूडेंट्स हैं इस हैं एडमिनिस्ट्रेशन है तीन बड़े यूनिट किसी भी यूनिवर्सिटी में होते हैं और इनको मिल के चलना होता है ताकि मामला जो हैं बदतरीके अहसन सब की तसली के मुताबिक चलते रहें लेकिन काम आइन और कानून के फ्रेमवर्क में होना ज़रूरी है उससे आप बाहर नहीं जाते यार, माशरे का बुनियादी असूल है तो इसकी रोशनी में आज असल में जो हम बात करना चाहते हैं वो दो इश्यूज़ हैं जिसपे मैं बात करूँगा कुछ गुफ्तु कल भी आपसे करनी है वो उससे अगली स्टेज होगी आज जो गुफ्तु है उसमें मैं ये बात करूँगा कि जब पाकिस्तान बना आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने पाकिस्तान बनने की बात की आज हमने ये गुफ्तु करनी है कि जब पाकिस्तान बनता है 1947 में अगस्त 1947 में तो पाकिस्तान की इनिशियल मुश्किल क्या थी या ये रियासत किस तरह तश्कील दी गई इनिशियल इश्यूज क्या थे 1947 के उसके बाद फिर हम आगे आते हैं दूसरा हिस्सा जो आज होगा कि जो आइन होता है एक बुनियादी ढांचा होता है एक बुनियादी असूल होता है किसी माशरे का तो ये आइन साजी का अमल पाकिस्तान में किस तरह चला उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी आज भी बात होगी कल भी बात होगी तो इस पर हम बात करेंगे ये जो गुफ्तु है कि पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल क्या हैं ये उस इरताई अमल का हिस्सा है जिस अमल से गुज़र कर पाकिस्तान आज यानी दो हज़ार सतारह में पहुँचे और इसका मुताल इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें माजी की मुश्किल का अंदाज़ा हो खासकर आज़ादी के वक्त जो मुश्किल थी जो मामलत थे उनको हम समझें क्योंकि उनको समझने से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि आज जहाँ हम बैठे हैं ये किस तरह हमने ये सफ़र किया कहाँ से हम स्टार्ट हुए और किस तरह सफ़र तय कर कर आज दो हज़ार सतारह में हम यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं यह है एक सफ़र इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि वो जनरेशन जिसने पाकिस्तान बनाया हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान को चलाया इनिशियल इब्तदा के दौर में उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी फिर एक और चीज़ है कि जो आज गुफ्तु होगी जो कल गुफ्तु होगी उसका ताल्लुक पाकिस्तान के बारे में बुनियादी मालूमात से है और अपने मुल्क के बारे में बुनियादी मालूम का होना बड़ा ज़रूरी हुआ करता है नॉलेज है ये बुनियादी बातें बहुत सी बातें छोटी छोटी होती हैं लेकिन हम तोज्जो नहीं देते होती वो अहम है तारीख़ का हिस्सा होती हैं और इस तरह बहुत सी बातें जो आज और मैं करूँगा और कल करूँगा वो जो आम तौर पर स्टूडेंट्स के मुकाबले होते हैं कुइज़ सवाल के मुकाबले होते हैं कुइज़ शोज़ होते हैं उनमें जो इन्फॉमेसन की ज़रूरत होती है वो चीज़ें भी आज मैं उसका तस्करा करूँगा आपकी दिलचस्पी के लिए कि किस तरह इब्तदा की कुछ बातें जो हम भूल जाते हैं और वो आम तौर पर जनरल नॉलेज के लिए या कोज़ शो सवाल के जो मुकाबले होते हैं टीवी पे भी होते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी होते हैं उन सब में ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है तो लिहाजा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है अब आते हैं आज के टॉपिक पे वो ये है कि क्याम पाकिस्तान के वक्त इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के वक्त ये जो नई रियासत बनती है जिसका नाम पाकिस्तान है जिसमें आज हम यहाँ शहरी हैं जिसके आज हम यहाँ ये इब्तदाई मुश्किल और इब्तदाई चैलेंजेस क्या थे और ये किस तरह बनी ये है वो इशू जिस जिसमें पहले बात करेंगे फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात जो है आज और कल में हम जो है वो करते हैं देखिए लास्ट वीक हमने ये बात तो की ना कि पाकिस्तान का मुतालबा का बुनियाद क्या थी टू नेशन देरी का था कि मुसलमाना ने बर एकदा कौम हैं और एक एकदा कौम की हैसियत से एक एकदा कौम की हैसियत से उनको अपने लिए एक मुल्क चाहिए एक कौम की हैसियत से उनको एक मुल्क चाहिए जो पाकिस्तान था ये था मुतालबा टू नेशन थेरी का या जो मुस्लिम लीग ने कायद अज़म की क़्यादत में जो मुतालबा पेश किया था उनकी आर्गूमेंट ये थी कि मुसलमाना ने बर सग़ी इस ख़त् के मुसलमान एक कम्यूनिटी नहीं हैं बल्कि कौम हैं उनका एक कौमी तश्खस है उनकी एक कौमी हैसियत है और उस लिहाज से वो मुल्क जाते हैं और वो मुल्क बना जिसमें आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पर तो इस ये मुतालबा जो बरतानिया जो कि इस इलाके पर रूल करता था जिसका कॉलोनील रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन्होंने ये मुतालबा तीन जून उन्नीस सौ सैंतालीस को मंजूर किया तीन जून उन्नीस सौ सैंतालीस को बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइस राय यहाँ इंडिया में थे जिसका नाम लॉर्ड माउंट बैटन था लॉर्ड माउंट बैटन जो वाइस राय थे उन्होंने तीन जून का एक ऐलान करते हैं वो और वो ऐलान ये है कि इस बर में ब्रिटिश जो है वो जाएंगे और इस बर में दो मुमलिकतें बनेंगी ये था पहला सरकारी ऑफिशल रिकगनीशन के पाकिस्तान इमर्ज करेगा एक एकदा ममलिकत एकदा रियासत के तौर पे ये तीन जून 1947 को ये जो है चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिट करती है तो किताबों में अक्सर लिखा होता है थ्री थर्ड जून प्लान वो असल में पार्टीशन प्लान है कि इस तरह फार्मूला जो है वो होगा जिसके तहत पाकिस्तान बनेगा ये इलाके इस तरह मुस्तबिल को डिसाइड करेंगे बाकी इलाके जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर जाएंगे फिर जो है जुलाई के अंदर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था जुलाई 47 में इस थर्ड जून 1947 के ऐलान के मुताबिक जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है यह इस तरह ये आज़ादी मिलती है इंडिया और पाकिस्तान को कि उन्होंने एक लॉ पास किया जिसके तहत जिस लॉ में यह कहा गया कि बरतानिया की हुकूमत जो है हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 को ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह दो मुमलकतें बनेगी दो मुल्क बन जाएंगे एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान और इंडिया जो भी आप टाइटल इस्तेमाल करना चाहें वो बनेंगी और फिर उसमें ये भी लिखा गया था उस लॉ में कि पंजाब का फैसला किस तरह होगा खैबर पखतूनख्वा जो जिसको उस वक्त हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एन डब्ल्यू एफ भी कहते थे उस जमाने में वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या मौजूदा खैबर पखतूनख्वा किस तरह फैसला करेगा बलोचिस्तान किस तरह करेगा सिंध किस तरह करेगा बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान बनता है वो किस तरह फैसला करेगा आ, तो आ, ये सारी तफसील आपको आ, उस जुलाई 1947 के लॉ में मिलती है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया यहाँ हमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन ये रखना ज़रूरी याद है कि जुलाई 1947 का एक लॉ मौजूद है ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्योंकि इस, इस इलाके पर ब्रिटिश की हुकूमत थी कलोनियलज्म था उनका उस ब्रिटिश पार्लियामेंट का लॉ था जिसके बाद जो है वो 15 अगस्त को फिर आज़ादी जो है इस कानून के तहत जो है वो मिलती है और उसमें ये है कि हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं आप सबको पता है इंडिया 15 अगस्त को मनाता है योम आज़ादी असल में आज़ादी तो एक दिन मिली थी दोनों मुल्कों को जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई में मौजूद है वो पंद्रह अगस्त था लेकिन फैसला ये हुआ था ये एक तारीखी हकीकत है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगी फैसला ये हुआ था कि चूंकि ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म हो रही थी और एक नई मुमलिकत बननी थी पाकिस्तान दिल्ली में तो हुकूमत मौजूद थी जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट लेकिन वहाँ भी एक आज़ाद इंडिया आना था इधर आज़ाद पाकिस्तान आना था लेकिन उस सेरेमनी में जो ट्रांसफ़र ऑफ़ पावर की सेरेमनी है जब इकतदार बरतानिया से पाकिस्तान को मुंतकिल होना था इकतदार आला बरतानिया से हिंदुस्तान को मुंतकिल होना था उस सेरेमनी में लॉर्ड माउंट बैटन जो बरतानिया के आखिरी वॉइस राय थे आखिरी सरबरा थे बरतानिया की तरफ से अपॉइंटमेंट दोनों का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी था पाकिस्तान की ट्रांसफ़र ऑफ़ पावर में भी क्योंकि इस इलाके पे भी बरतानिया की हुकूमत थी जो इलाका हिंदुस्तान बना वहाँ भी बरतानिया की हुकूमत थी और बंदा एक था और दोनों जगह मौजूद होना ज़रूरी था ताकि ये फॉर्मल हो तो फैसला ये हुआ था कि कराची के अंदर जो पाकिस्तान बनने की ट्रांसफ़र ऑफ पावर की सरमनी है वो 14 अगस्त को होगी लॉर्ड माउंट बैटन जो आखिरी वाइस राय थे वह कराची आएंगे तेरह को वह आए चौदह को वो कायद अजम के साथ वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है जो उससे पहले सिंध असम्बली कहलाती थी सिंध की असेंबली 1935 से चल रही थी सैंतीस से वो बनी पैंतीस में शुरू हुई वहाँ 14 अगस्त को सेरेमनी हुई जिसमें ट्रांसफर ऑफ पावर लॉर्ड माउंट बैटन ने की और उस सेरेमनी के बाद उस सेरेमनी के घंटे डेढ़ घंटे के बाद वो लॉर्ड माउंट बैटन और उसके साथ जो अखबारी ब्रिटिश या अमेरिकन अखबारी नुमाइंदे थे वो एक जहाज़ में दिल्ली चले गए और दिल्ली फिर रात को बारह बज के एक मिनट पर फिर दिल्ली में सेरेमनी होती है जिसमें अगेन लॉर्ड माउंट बैटन बैठा है और लॉर्ड माउंट बैटन इसलिए भी बैठा था कि फैसला ये हुआ था कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायद अजम मोहम्मद अली जना होंगे ये फैसला था मुस्लिम लीग का फैसला था कि कायद अज़म जो है वो पहले गवर्नर जनरल होंगे हिंदुस्तान ने यह फैसला किया कि उनका पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट होगा यानी जो ब्रिटिश वाइस राय था उसी को उन्होंने कहा गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड माउंट ने गवर्नर जनरल के अहदे का हल्फ भी लेना था तो इस तरह जो ट्रांसफर ऑफ पावर की सेरेमनीज़ हैं पाकिस्तान की चौदह को हुई है हिंदुस्तान की पंद्रह की सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो सेरेमनी जो है होती है लेकिन कायद अज़म का ओथ एज गवर्नर जनरल ऑफ़ पाकिस्तान वो पंद्रह तारीख की सुबह का है पंद्रह तारीख की सुबह को उन्होंने ओथ लिया एज़ गवर्नर जनरल ऑफ़ पाकिस्तान और पाकिस्तान की पहली काबीना लियाकत अली ख़ान ने बनाई लियाकत अली खान का ओथ कायद अजम ने लिया वो भी पंद्रह की सुबह का है तो इस तरह आप चौदह अगस्त इसलिए मनाते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर की सेरेमनी कराची में चौदह अगस्त को हुई और ओथ लेकिन कायदे आजम का कायदे आजम का ओथ जो लिया आपके लिए क्विज़ शो के लिए इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस थे सर अब्दुल रशीद उन्होंने कायदे आजम का ओथ लिया था एज चीफ जस्टिस ऑफ नए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनना था उन्होंने तो उन्होंने ओथ लिया पहले से वो जज थे अच्छा वो फिर आ, बनते वो ओथ लेते हैं कायद अजम का और लियाकत अली ख़ान का पहले वज़र अज़म की हैसी से जो हल्फ लिया गया है ओथ लिया गया है वो कायद अज़म ने लिया एज़ गवर्नर जनरल ऑफ़ पाकिस्तान तो ये इस तरह पाकिस्तान की इब्तदा होती है चौदह अगस्त और हिंदुस्तान आज़ादी पंद्रह अगस्त को आ, जो है वो आ, मनाता है लेकिन हकीकत में दोनों मुल्कों को आज़ादी पंद्रह अगस्त की सुबह से मिली है सैरमनी चौदह अगस्त की आफ्टरनून में कराची में हुई है जिसमें लॉर्ड माउंट बैटन जो है वो आ, जो थे बरतानिया को नुमाइंदा कर नुमाइंदगी कर रहा था और इस तरह बरतानिया का झंडा इस सरजमीन से उतर गया चौदह तारीख की शाम और पंद्रह तारीख की सुबह को ये सिलसिला हमने तब्दीली जो है वो देखी जिसकी कुछ फिल्में कुछ तस्वीरें कभी कभी चौदह अगस्त के अखबार को देखें उसमें छपती हैं कि कायद अज़म बैठे हुए हैं और लॉर्ड माउंट बैटन है या एक तस्वीर आम तौर पर छपती है कि लॉर्ड माउंट बैटन जो कि वाइस राय थे बरतानिया के और कायद अजम गाड़ी में बैठे हुए कराची के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की तरफ जा रहे हैं ये तस्वीरें जो है ना उस ज़माने की कुछ जो है वो मिलती हैं तो अब इशूज़ ये हैं कि ये रियासत बंद तो गई लेकिन इसके क्या इशूज़ थे जो आज़ादी के वक्त आपको फेस करने पड़े पहला इशू जो था ना वो था बाउंड्रीज़ का कि भाई आपने कहा अच्छा जी पाकिस्तान बनेगा अब जब आप नई जदीद रियासत बनाते हैं जदीद रियासत में बाउंड्रीज़ का तस्वर होता है कि भाई ये रियासत यहाँ ख़त्म होती है और यहाँ से शुरू होती है इसके बाद इंडिया शुरू हो गया जिस तरह आप देखें पंजाब में आ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है लाइन ऑफ कंट्रोल है सिंध में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है तो वो लाइन जो है खींचना बहुत ज़रूरी होता है पहले ज़माने में तो ये नहीं था लेकिन अब जदीद रियासत में बाउंड्री का तसुर है जिस तरह ये पासपोर्ट होता है ये बीसवीं सदी में पासपोर्ट शुरू हुआ है पहले पासपोर्ट नहीं हुआ करते थे मुल्कों के वो ठीक है सफ़र कर रहे हैं आप आपके यहाँ से बहुत से वो लोग हैं जो के यहाँ से जाते थे हज करने के लिए सऊदी अरेबिया इंडियन जो मुस्लिम जो है और ज़ाहिर जा, है उस ज़माने में जहाज़ तो नहीं होते थे वो ट्रेवल करते थे सड़क के रास्ते जो है ना हज करके फिर उसी तरह सड़क के रास्ते हज करके वापस इंडिया पहुंचते थे बड़ी हिम्मत की बात थी अब तो लोग जा, हवाई जहाज़ में हज करने के लिए जाते हैं बहुत आसान है लेकिन आप उन्नीसवीं सदी अट्ठारहवीं उन्नीसवीं सदी इवन बीसवीं सदी का शुरू का दौर देखें तो लोग जाते सिर्फ इसी तर, इसी सड़क के रास्ते ही आ, हज करने के लिए जो है वो जाते थे तो बाउंड्रीज़ की डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन था उसके लिए बरतानिया ने एक कमीशन बनाया जिसमें एक बरतानिया का माहिर जो रेड क्लिफ़ कहलाता है उसका नाम रेड क्लिफ़ है उसने उस कमीशन को हेड किया और आज़ादी की सेरेमनी 14 तारीख को हिंदुस्तान की 15 तारीख को हुई है लेकिन जो बाउंड्रीज़ का फैसला हुआ है वो 17 अगस्त को हुआ है सेवनटीन ऑफ अगस्त 1947, उस कमीशन ने जो रेड क्लिफ़ कमीशन था उसने बाउंड्रीज का ऐलान सेवनटीन ऑफ ऑगस्ट तीन दिन के बाद पाकिस्तान की सरमनी चौदह है इंडिया की पंद्रह है तो सत्रह को उसने जो है वो ऐलान किया कि जनाब ये इलाके पाकिस्तान में होंगे वो इलाके हिंदुस्तान में होंगे और उससे पहले ये नहीं पता था कि एक्चुअली पंजाब में बाउंड्री कहाँ से कहाँ जाएगी मुस्लिम लीग का और कायदाजम की ख्वाहिश थी कि पूरा पंजाब क्योंकि पूरे पंजाब में मुसलमानों तो की आबादी थी 55 फाइव परसेंट फोटी परसेंट थे नॉन मुस्लिम तो कायद अज़म की ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग की ख्वाहिश थी कि पूरा पंजाब पाकिस्तान में आए इसी तरह कायद अजम की और मुस्लिम लीग की ख्वाहिश थी कि पूरा बंगाल यानी बंगाल में फिफ्टी मुस्लिम थे फोर्टी नॉन मुस्लिम थे लेकिन वो इलाके कुछ इस तरह थे कि बहुत से इलाक़ों में मुसलमान मेजॉरिटी में थे बहुत से इलाकों में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे तो कायद अजम की ख्वाहिश थी कि पूरा बंगाल और पूरा पंजाब पाकिस्तान में आना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसको तकसीम किया गया क्योंकि दोनों की असम्बली ने फ़ैसला किया था जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हों लिहाजा नॉन मुस्लिम मेंबर की ख्वाहिशात को रखते हुए ये पार्टीशन होता है ये तकसीम होती है और बाउंड्रीज़ बनती हैं और बाउंड्रीज़ पे पाकिस्तान को एतराज़ था इसलिए कि जो मसला है कश्मीर जिसकी हम बात करते हैं जिसका भी थोड़ी देर में मैं तस्करा करूंगा यहीं से शुरू होता है मसला है कश्मीर जो झगड़ा आज जो आज तक हल नहीं हो सका है उसकी इब्तदा इस बाउंड्री के फैसले की बुनियाद पे हमें नज़र आती है यहाँ से उसका मैं आगे जाके तस्करा करूंगा इसलिए मैंने बाउंड्री की जरा डिटेल में बात की है कि कश्मीर के मसले को समझने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि ये तकसीम लाइन किस तरह खींची गई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्योंकि फ़ैसला ये था कि जो मुस्लिम मजार्टी तहसील्स हैं डिस्ट्रिक्स हैं वो पाकिस्तान को जाएंगे लेकिन जो ब्रिटिश आ, का जो कमीशन था उसने पाकिस्तान से ज्यादती की और कुछ इलाके मसलन गुरदासपुर का इलाका गुरदासपुर इसलिए ज़रूरी है मैंशन करना कि उस जमाने में इंडिया के लिए कश्मीर में दाखिले का रास्ता सिर्फ़ एक था आज तो और रास्ते भी बन गए हैं ना इतना साल हो गए हैं वो था गुरदासपुर के ज़रिए और गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट में जो कि अब इंडिया में है गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट के तीन तहसीलों में मुसलमान मेजोरिटी थे एक में नॉन मुस्लिम मेजार्टी थे तो ख्याल ये था कि पूरी तहसील जो है पाकिस्तान को जा पूरा ज़िला पाकिस्तान को जाएगा ऐसा नहीं हुआ पूरा ज़िला इंडिया को चला गया और इस तरह इंडिया को कश्मीर की एक्सेस मिलती है तो इस तरह पाकिस्तान को शिकायतें थीं उस पार्टीशन से उस बाउंड्री से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई इंडिया पाकिस्तान लेकिन ये है कि असूली तौर पे फैसला ये था कि जो भी अवार्ड होगा जो भी फैसला होगा वो कबूल किया जाएगा इंडिया भी कबूल करेगा पाकिस्तान भी कबूल करेगा लिहाजा बाउंड्रीज़ जो हैं वो इन्होंने आ, उनको जो हैं वो आ, जो हैं कबूल की आ, उसके अलावा जो जहाँ तक खैबर पखतूनख्वा या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का प्रोविंस का ताल्लुक है उसका आज़ादी से पहले एक रेफरेंडम हुआ था रेफरेंडम में ये फ़ैसला हुआ था कि खैबर पखतनख्वा या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान में शामिल होगा इसी तरह बलूचिस्तान का फ़ैसला भी इसी तरह हुआ कि वहाँ की म्यूनसपल कमेटी कोयटा की और जो ट्राइबल चीफ्स हैं उन्होंने यूनानीमसली फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे सिर्फ ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो एक डिफरेंट जो है वो कैटेगरी हमें जो है वो नज़र आती है इस तरह जो है जो ये तकसीम हुई है 1947 के अंदर उसमें मसलन पाकिस्तान के जितने भी दरिया बनते हैं जैसे हम सब जानते हैं वो हिंदुस्तान से आते हैं ख़ासकर बड़े दरिया सिंध झेलम चनाब ये बड़े दरिया हैं रावी सतलोज ये दूसरे छोटे दरिया हैं तो ये सब हिंदुस्तान में आते हैं म, बहुत सी कैनाल रावी रिवर से जो कैनाल थी उनके हेडवर्क्स इंडिया में थे कैनाल पाकिस्तान में थी तो इस किस्म के मामल थे जो पाकिस्तान के लिए बाद में मुश्किल का बेसिस बने यानी आप ये कहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जिन झगड़ों का आज हम तस्करा करते हैं ज़िक्र करते हैं गुफ्तु करते हैं उनकी बहुत सी जड़ें आपको उन्नीस में मिल जाती हैं कि किस तरीके से ये तकसीम हुआ उसकी वजह से तकसीम में उन्होंने इन सेंसिटिविटीज़ का ख्याल नहीं रखा भाई एग्रीकल्चर मुल्क के लिए पानी का होना तो बहुत ज़रूरी है अगर दरिया नहीं है नहरें नहीं हैं या आपके पास ट्यूबवेल सिस्टम नहीं है तो ज़रात आप कहाँ से कर लेंगे पानी के बगैर तो ज़रात सोच भी नहीं सकते तो इसलिए ये पानी का मसला बाद में हमने देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पानी का मसला शुरू हुआ वो उसकी जड़ें यहीं आपको 47 सेवन में जो है वो जो है वो नज़र आती हैं एक और मसला जो फ़ोर्टी सेवन में हुआ जो कि बड़ा अहम था वो ये हुआ कि क्याम पाकिस्तान से कुछ पहले चंद हफ्ते पहले और क़्याम पाकिस्तान के बाद दो डेवलपमेंट्स हुई जिसका असर दोनों मुल्कों पे ख़ासकर पाकिस्तान पे हुआ वो ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा और माइग्रेशनस हुई हैं यानी हिंदुस्तान से मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश से दिल्ली से ईस्ट पंजाब से बहुत मुसलमान आया है इधर वेस्ट पंजाब में या वो खैबर पख़्तूनख़ा में चले गए कुछ सिंध में कराची में बहुत मुसलमान आए हैं और यहाँ से नॉन मुस्लिम हिंदुस्तान गए खैबर पखतनखवा पंजाब हर हर सूबे में नॉन मुस्लिम मौजूद थे वो हिंदुस्तान गए और हिंदुस्तान जो इलाके हिंदुस्तान बन गए वहाँ के बड़ी तादाद में मुसलमान जो हैं माइग्रेट करके पाकिस्तान आते हैं और ये बहुत मुश्किल वक्त था आज हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते हमने तो देखा ही नहीं ना वो वो उस एक्सपीरियंस से तो हम गुजरे ही नहीं हैं कि किस तरह मुसलमान जो हैं लुटे पुटे जो है काफिलों में कुछ ट्रेन से आए ट्रेन सर्विस चलती थी एक कदीम किस्म की ट्रेन थी कुछ ट्रेन से आए कुछ पैदल आए बल्कि जो जो होती हैं बैलगाड़ियाँ उन उनमें बैठ के आए और और अच्छे खासे लोग जो हैं वो शहीद हुए जिन पे मतलब ट्रेनों पे हमला होना ट्रेन आ रही है ट्रेन रोक दी हमला कर दिया मार दिया लोगों को इसी तरह लोग पैदल आ रहे हैं बैलगाड़ियों पे आ रहे उन पे तो और ही हमला करना आसान होता है तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कम्युनल राइट्स हुए हैं इस तरफ भी हुए हैं पाकिस्तानी इलाके में भी हुए हैं हिंदुस्तानी इलाके में भी हुए हैं दोनों तरफ किलिंग्स हुई हैं 1947 के अंदर लेकिन मुसलमानों की जो माइग्रेशन है वो ज़्यादा हमें नज़र आती है पाकिस्तान आने के लिए और इब्तदान मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ख्याल नहीं था कि लोग माइग्रेट करेंगे लेकिन माइग्रेशन हुई हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आए हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तानी रियासत का ताल्लुक एक बात से था कि जो लोग आ रहे हैं जाहिर है कि वो अच्छी हालत में नहीं आ रहे थे किसी के पास कुछ भी नहीं था खाली अपने जो कपड़े पहने हुए हैं या एक आध आप तस्वीरें कभी कभी छपती हैं अखबारों में ज़रा उन तस्वीरों पर गौर करें आज अब तो आपको नज़र आएगा कि बहुत से लोग तो वैसे ही बेचारे बुरी हालत है बूढ़े हैं छोटे बच्चे हैं वो आ रहे हैं किसी के पास एक पोटली है कोई खाली हाथ है और वो यहाँ पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान हुकूमत की पहली जिम्मेदारी ये बनती थी कि इनको आबाद किस तरह किया जाए उसके लिए रिफ्यूजी कैंप्स बने लाहौर में लाहौर की साइड से ज़्यादातर लोग लाहौर की साइड से आए या बहुत से लोग Uh, कुछ हुआ कि कुछ लोग जहाज के ज़रिए बम्बे से कराची पहुँचे कुछ लोग वैसे जो सिंध का बॉर्डर क्रॉस करके uh, सिंध में आए और कराची चले गए और सिंध के दूसरे हैदराबाद दूसरे चक्कर यहाँ सब आपको ये लोग मिलते हैं तो इब्तदान जो है पाकिस्तान आर्मी ने कैंप्स क्रिएट किए जिस लाहौर शहर के बाहर कैंप्स क्रिएट किए होता ये था कि ये लोग लाहौर आए हैं वाघा के रस्ते आए हैं लाहौर के बाहर कैंप्स हैं जिसको हकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी चलाती थी और उसके बाद फिर इनको मुख्तलिफ़ शहरों में भेजा गया क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में घर खाली हो गए थे नॉन मुस्लिम चले गए नॉन मुस्लिम हिंदुस्तान चले गए लिहाजा वो घर अवेलेबल थे वो उनको घर दिए गए और इसी तरह जी ये लोग जो हिंदुस्तान गए जो नॉन मुस्लिम यहाँ से हिंदुस्तान गए उनका भी तरीक़ार यही था कि मुसलमान अपने घर सामान हर चीज छोड़ के आए थे वो फिर उनको मिल गई और पाकिस्तान को तकरीबन 20 साल लगे हम बात कर रहे हैं उन्नीस की और 20 साल का मतलब ये है कि 1967 कोई 20-25 साल पाकिस्तान को लगे हैं ये महाजरीन का मसला हल करने के लिए इसमें शिकायत भी पैदा हुई झगड़े भी पैदा हुए लेकिन ये है कि मोर लेस रिहेबलीटेशन हुई लेकिन 20 साल जो है लगे कुछ नई कॉलोनीज़ इनको बनानी पड़ी तो ये एक बहुत नई पाकिस्तानी रियासत पर ये एक बहुत बड़ा बर्डन था ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने लोग आए हैं अभी आपकी हुकूमत बनी नहीं आपकी हुकूमत पाँव पे खड़ी नहीं हुई कि उन पे इतनी बड़ी जो है उफ्ताद आ पड़ी कि इतने मिलियन जो मुसलमान जो आते हैं वो उन मुसलमानों को जो है वो किस तरह एक अंदाज़ा था कि सात मिलियन से ज़्यादा मुसलमान जो हैं 1947 और 48 में पाकिस्तान आए हिंदुस्तान से और तकरीबन पाँच मिलियन जो हैं नॉन मुस्लिम यहाँ से हिंदुस्तान चले गए उसके बाद पाकिस्तान ने इनको रिहैबिलिटेट किया उसको अच्छा खासा जो है टाइम लगा तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान की रियासत के लिए आपको तो इनका तजर्बा नहीं है लेकिन जिन लोगों ने वो सिचुएशन देखी है उनको पता है कि ये हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किल मसला था और उन लोगों के लिए भी जो अपनी सारी चीज़ें छोड़ के जो हैं वो खाली हाथ पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में फिर उन्होंने नए अंदाज से ज़िंदगी जो है वो शुरू की है तीसरा मसला जो था जो हमारे लिए अहम है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि रियासत पाकिस्तान बनने के लिए कितनी मुश्किल और कितनी कुर्बानियाँ दी वो ये था कि जो एसेट्स थे एसेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट यानी जो चीज़ें थी सरमाया था पैसा था जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का था वो तकसीम हुआ कुछ पाकिस्तान को मिलना था कुछ इंडिया को मिलना था दोनों को में तकसीम होना था तो उसमें एक तो फेडरल हुकूमत का सामान फेडरल हुकूमत का रिकॉर्ड और पैसा जो हुकूमत रियासत के पास होता है उसमें मसला ये था कि कागज़ पे तो तकसीम आसान थी कि ये, ये पाकिस्तान का हिस्सा ये हिंदुस्तान का हिस्सा असल जो तनाज़ा खड़ा होता है 47 में वो ये होता है कि असल में ये चीज़ें जो ट्रांसफ़र करनी है आपने पाकिस्तान में जो इंडिया की सरजमीन में है जो दिल्ली के अंदर पड़ी हुई हैं उसको आपने कराची ले जाना है कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल था वो किस तरह होगा यहाँ आके फसाद पड़ता है यहाँ आके पाकिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा जो फेडरल गवर्नमेंट का है वो नहीं मिलता इसी तरह फौजी सामान की तकसीम थी फ़ौज भी तो मौजूद थी जिसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहते थे 1947 में आज़ादी के वक्त एक इंडियन आर्मी बन गई इंडियन मिलिट्री बन गई एक पाकिस्तान मिलिट्री बन गई उसमें एक तो बंदों की तकसीम थी उसके लिए एक फार्मूला बना जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया वो पाकिस्तान आ गया पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा हो गया जिन्होंने इंडिया के लिए ऑप्ट किया वो इंडियन आर्मी का हिस्सा हो गया ये तो हो गया बंदों का बंदों का फिर ये था कि उनको भी माइग्रेट करवाना था बहुत से देखिए ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी फोर्टी में ख़त्म बहुत से मुसलमान बर्मा में बैठे हुए थे क्योंकि इंडियन फोर्सेस ने बर्मा में लड़ाई की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको पाकिस्तान लाना यह भी एक अच्छा मसाला था असल जो झगड़ा था फौजी एक्विपमेंट लाना कि आपको कहा जी ये जो फौजी साजो सामान है ये पाकिस्तान का है यह पाकिस्तान जाएगा हुआ ये कि साथ ही कश्मीर का झगड़ा शुरू हो गया जैसे ही कश्मीर का झगड़ा शुरू हो गया सामान बंद तो लिहाजा पाकिस्तान को जो फौजी साजो सामान था उसका पूरा हिस्सा नहीं मिला उसकी हम तफसील में नहीं जाते वो आपकी ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ़ एक दो मिसाल एक मिसाल दे देता हूँ 1947 में पाकिस्तान के पास कोई फ़ौजी असलाह बनाने की फैक्ट्री नहीं थी जितनी भी असला बनाने की फैक्ट्रीज़ थी वो इंडिया के अंदर थी लिहाजा इंडिया को मिल गई हती के जो मशीनरी पड़ी थी जो अभी इंस्टॉल भी नहीं हुई थी वो भी इंडिया में पड़ी थी वो भी इंडिया पे पास मिल गई आपके पास असला बनाने वाली कोई फैक्ट्री पाकिस्तान में नहीं थी आजकल आप सुनते हैं वॉ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये जो वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है या दूसरी वहाँ फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं इस वक्त ये उन्नीस के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कायम की हैं फोर्टी से पहले की कोई आपके पास डिफेंस इंडस्ट्री इस इलाके के अंदर नहीं थी इस इलाके से फ़ौजी भर्ती होते थे लेकिन इंडस्ट्री नहीं थी इसी तरह आपके देखें लोग जब कमीशन लेते हैं नौजवान इंटरमीडिएट के बाद वो अगर सेलेक्ट हो जाते हैं वो ट्रेनिंग के लिए काकुल अकेडमी जाते हैं दो तकरीबन दो साल की वहाँ ट्रेनिंग है उसके बाद उनको सेकंड लेफ्टिनेंट का आर्मी में इसी तरह फोर्स की एकेडमी अपनी है रसालपुर के अंदर है और नेवी की अपनी ट्रेनिंग uh, एकेडमी है कराची के अंदर uh, तो जब आज़ादी मिलती है तो यहाँ छोटे छोटे ट्रेनिंग स्कूल तो थे पाकिस्तान के इलाके में लेकिन बड़ी एकेडमी कोई नहीं थी यानी जो काकूल की एकेडमी जिससे हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं ये 1947 के बाद इनफैक्ट 1948 में इनागरेट होती है हुकूमत पाकिस्तान इसको इनागरेट करती है. इसी तरह एयरफोर्स जो है वो रिसालपुर में ट्रेनिंग देती है ये वहाँ पे एक कॉलेज था छोटा सा एयरफोर्स का वो उन्होंने अपग्रेड करके एकेडमी बनाया तो आ, ये मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल हालात के अंदर बहुत थोड़े से रिसोर्स के साथ अपने आप का आगाज़ किया लेकिन उस वक्त की लीडरशिप में एक डिटर्मिनेशन थी आवाम में ये जज्बा था कि हमने कुर्बानी देनी है हमने एफ़र्ट करनी है इस रियासत के ख़्वाब को जो कायदी ने देखा था उसको हमने हकीकत बनाना है क्योंकि हिंदुस्तान में ये अक्सर थिंकिंग थी कि कुछ अर्से के बाद ये बैठ जाएगी ख़त्म हो जाएगी बल्कि अगर आप कांग्रेस का रेजोल्यूशन उठा के देखें जिसमें 1947 में पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया गया है उस रेजोल्यूशन में भी ये दर्ज है उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया पाकिस्तान को कांग्रेस ने जब ये तीन जून का प्लान आ गया लेकिन उन्होंने कहा उस रेजोल्यूशन में ये दर्ज है अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि जब ये मौजूदा जज्बात कम होंगे ये जज्बातीत ख़त्म होगी तो इस सारे सवाल को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सवाल को एक रिव्यू किया जाएगा दोबारा इस पे सोचा जाएगा और उम्मीद है कि हम फिर एक हो जाएंगे ये ख्वाहिश थी और इसीलिए ख्याल ये था कि पता नहीं पाकिस्तान चलेगा कि जो है वो नहीं चलेगा लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के फजल से और लोगों की उस जनरेशन की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनकी हिम्मत उनकी कुर्बानियों, उनके जज्बे की वजह से जो है ना अल्लाह ने उनको कामयाबी दी और आज हम उसी आज़ाद मुमलकत के शहरी की हैसियत से यहाँ यूनिवर्सिटी में जो हैं बैठे हुए हैं अचाब एक और मसला था नई हकूमत का क़याम सेटिंग अप ऑफ द न्यू गवर्नमेंट देखे ना कोई रियासत हकूमत के बगैर नहीं चल सकतीकूमत का होना एक लीगल स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है कोई हुकूमत कोई मुमलिकत नहीं चल सकती हुकूमत के बगैर अगर हुकूमत नहीं होगी तो लड़ाइयाँ होंगी झगड़े होंगे फसाद होगा तोड़ फोड़ होगी लिहाजा एक हकूमत का होना जरूरी है तो पाकिस्तान के लिए दो चैलेंजेस थे एक था आपने कराची के अंदर पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत कायम करनी थी फेडरल हुकूमत कायम करनी थी दिल्ली के अंदर तो पहले से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बैठी हुई थी देखिए ना हिंदुस्तान को ये एडवांटेज था हिंदुस्तान का कैपिटल दिल्ली था और है वहाँ पे बरतानिया की हुकूमत बैठी हुई थी यही हुआ कि बरतानिया वाले उठ के चले गए इंडियन के पास एक स्ट्रक्चर मौजूद था हुकूमत का वो चलता रहा पाकिस्तान के लिए आपको कराची में नया कैपिटल बना नई हुकूमत कायम करनी थी जो की गई हुकूमत जो है कायद अजम गवर्नर जनरल लियाकत अली खान पहले वजीरम पाकिस्तान के होते हैं और उन्होंने हुकूमत वहाँ चलाई है उसके अलावा एक और हुकूमत आपको बनानी थी वो थी ईस्ट पाकिस्तान की हुकूमत ईस्ट बंगाल की हुकूमत देखिए बंगाल जो पूरा सूबा था उसकी हुकूमत बैठी हुई थी कलकत्ता के अंदर यूनाइटेड बंगाल का कैपिटल था कलकत्ता लिहाजा सूबाई हुकूमत कलकत्ता में बैठी हुई थी सूबाई हुकूमत इंडिया के पास चलेगी कलकत्ता हिंदुस्तान के पास गया आपके पास ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल आए जिसमें ढाका कैपिटल डिक्लेयर हुआ ढाका कैपिटल होगा ढाका में आपने सूबाई हुकूमत बनानी थी ये था आपके लिए चल वहाँ सुबाई हुकूमत थी ही कोई नहीं लिहाजा वहाँ आपने हकूमत बनाई सूबाई हुकूमत बनाई फ़ौज स्टेशन की पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इंडिया की फ़ौज ब्रिटिश इंडिया की फ़ौज वहाँ मौजूद थी लेकिन अपनी फ़ौज आपको बनाई यहाँ आपको कैपिटल बनाया जो प्रॉब्लम थी पाकिस्तान को वो थी कि इनके पास ट्रेनड मुस्लिम सिविल सर्वेंट्स कम थे वजह ये थी कि मुसलमान बर्रग़ीर तालीम के लिहाज से पीछे थे लिहाजा वो सिविल सर्विस में मुस्लिम रिप्रजेंटेशन जो थी वो नॉन मुस्लिम रिप्रजेंटेशन से बहुत कम थी जब पाकिस्तान बनता है तो जो मुसलमान सिविल सर्वेंट है वो पाकिस्तान आने का फ़ैसला करते हैं कि हम पाकिस्तान में आ गए पाकिस्तान में इस जिस तरह फ़ौजी मुसलमान फ़ौजी पाकिस्तान आ गए कुछ नॉन मुस्लिम भी थे वैसे पाकिस्तान आर्मी में शुरू से अच्छा तो यहाँ आके सबसे बड़ी जो कमी महसूस हुई कि आपके पास तजर्बेकार सिविल सर्वेंट्स नहीं थे ठीक है जूनियर को प्रमोशन दी गई लेकिन तजर्बेकार सिविल सर्वेंट्स की पाकिस्तान में हिंदुस्तान की नस्बत ज़्यादा कमी थी इसी तरह फौज में सीनियर ऑफिसर्स की कमी थी तीनों सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स इन में आपके पास सीनियर मुसलमान ऑफिसर्स नहीं थे लहजा कुछ को जो मौजूद थे उनको तरक्की दी गई लेकिन फिर भी आपके पास कमी कमी थी तो फिर ये फैसला हुआ कि इब्तदान ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स बरतानिया के वो सिविल सर्वेंट जो इंडिया में सर्व कर रहे थे इंडिया में मौजूद थे अगर उनमें से कोई रहना चाहे वो रहेगा तो पाकिस्तान ने इब्तान ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स हायर किए इंडिया ने भी ये काम किया लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत थी इंडिया को काम जरूरत थी इसी तरह फौज में भी आपने ब्रिटिश फ़ौजी जो यहाँ इंडिया में काम कर रहे थे उनको रिटेन किया रखा चंद सालों के लिए और इसलिए पाकिस्तान आर्मी के जो पहले दो कमांडरेंट चीफ थे वो ब्रिटिश थे और पाकिस्तान का पहला पाकिस्तानी कमांडर चीफ जनरल अयूब खान था और जनरल अयूब खान पहला पाकिस्तानी पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ था वो हुए थे कमांडर इन चीफ जनवरी 1951 में इस तरह आप ये कह सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 से लेकर जनवरी 1951 तक पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ ब्रिटिश था दो ब्रिटिश थे फिर अयूब खान हुए पहले आर्मी चीफ पाकिस्तान आर्मी के इसी तरह एयरफोर्स नेवी इनमें भी आपको ब्रिटिश ऑफिसर ज़्यादा हायर करने पड़े क्योंकि आपके पास एयरफोर्स लोग नहीं थे आपके पास नेवी में लोग नहीं थे इसी तरह जो पहले कमांडेंट चीफ़ हैं जो नेवी के और एयरफोर्स के वो भी बरतानवी थे और एयरफोर्स का पहला पाकिस्तानी कमांडेंट चीफ़ एयर मार्शल असगर असगर खान थे जो अब भी जिंदा हैं माशा एबटाबाद में रहते हैं एयर मार्शल असगर खान नाइनटीन फिफ्टीज़ में आके फिफ्टी सेवन में आके पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले पाकिस्तानी कमांडर बनते हैं तो ये मैं इसी तरह नेवी का हुआ है नेवी में अजय ना वाइस एडमिरल सदीक पहले पाकिस्तानी कमांडर चीफ थे तो पॉइंट असल में मेरा ये है के इब्ता में पाकिस्तानी ने जब रियासत कायम की उनके पास तजर्बेकार सिविल सर्वेंट नहीं थे उन्होंने बरतानवी सिविल सर्वेंट्स को रखा इंडिया ने भी यही काम किया इंडिया का भी पहला आर्मी चीफ ब्रिटिश था लेकिन उनके पास सीनियर ऑफिसर ज़्यादा थे हमारे यहाँ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स जो है ना ब्यूरोसी में 1960 की दहाई तक काम करते रहे उसके बाद फिर ज़ाहिर है आपके अपने ब्यूरोट आ गए अब आपको ज़रूरत नहीं है Uh, किसी ब्रिटिश की सिविल uh, सर्वेंट की लेकिन इब्तान जो है ना ये चीज़ें इस तरह जो हैं आपने uh, जो है वो uh, पूरी की गई और पाकिस्तान का एक मसला रिसोर्स की कमी थी सबसे बड़ा चैलेंज जो था मसलन जो इलाके पाकिस्तानी थे वो ज़्यादातर और आज भी एग्रीकल्चर हैं पाकिस्तानी इलाके में इंडस्ट्री बहुत कम थी 1947 में आज तो माशाल्लाह इंडस्ट्री हमारे यहाँ काफ़ी है लेकिन 47 में ये जो इलाके हैं पंजाब एन या सिंध या ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट बंगाल इनमें इंडस्ट्री बहुत कम थी पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री लगी है बेशतर इंडस्ट्री पाकिस्तान बनने के बाद लगी है और अच्छा खासा इंडस्ट्रलिस्ट पाकिस्तान में जो आया है वो मुंबई जिसको आज कहते हैं या बॉम्बे जिसको हम पहले कहते थे बॉम्बे से कायद अजम ने उनको इनक्रेज किया कुछ इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात थी वहाँ से कायद अजम ने इनकरेज किया मुसलमान बिजनस मैन को 47 सेवन से पहले कि भैया आप इस नई मुमलकत में आओ कराची में आए इंडस्ट्री लगी फिर पंजाब में इंडस्ट्री लगी ये वो सब चीज़ें हैं जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हैं इनिशियल आपको मतलब एक मिसाल दे सकते हैं जब ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था उस वक्त सबसे ज्यादा जूट या पटसन ईस्ट पाकिस्तान में पैदा होती थी लेकिन उसकी इंडस्ट्री जो थी वो वेस्ट बंगाल में थी बंगाल के उस हिस्से में थी जो इंडिया में था हार्डली एक दो जूट की फैक्ट्रियां ईस्ट पाकिस्तान में थी बाकी सारी जूट आपको इंडिया भेजनी पड़ती थी बाद में फिर वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में जूट इंडस्ट्री ग्रेजुअली ग्रो करती है लेकिन 47 में आपके पास नहीं थी वो इंडिया भेजते थे और 47 या 50s में भी कह लें कि आपकी ज़्यादा ट्रेड इंडिया के साथ थी क्योंकि पाकिस्तानी इलाकों की डिपेंडेंस इंडिया के इलाकों पर थी ये ये थे जराती इलाके ये थे फ़ौजी भर्ती के इलाके इंडस्ट्री लगी हुई थी दिल्ली और उससे आगे जाके उसकी वजह से हमारे इलाकों का दारोमदार था और इंडिया ने इसको एक्सप्लॉयट किया इनिशियल स्टेजेस के अंदर पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए उन्होंने तजारत बंद कर दी कुछ अरसे के लिए तो ये वो इनिशियल मुश्किल थी जिसकी वजह से ये हुआ अब जो आखिरी अहम मुश्किल जिसका मैं तस्करा करना चाहता हूँ वो है जिसमें कश्मीर आता है जिसको समझना ज़रूरी है आज कश्मीर का मसला समझने के लिए देखिए हिंदुस्तान में दो हिस्से थे एक वो हिंदुस्तान था जिस पे बरतानिया की बरह रास्त हुकूमत थी जिस तरह पंजाब पंजाब पे ब्राह रास्त हकूमत थी दिल्ली ब्राह रास्त हुकूमत थी तो फैसला ये हुआ था कि जो जहाँ बरतानिया की बरह हुकूमत है वो इलाके तकसीम हो गए लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी यानी ऐसी रियासतें थीं जिसको राजा महाराजा हुआ कर जिस तरह बहावलपुर आपके करीब तरीन जो स्टेट है वो बहावलपुर होती थी बहावलपुर एक स्टेट थी जिसमें उनके अपने रूलर होते थे इसी तरह हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में कोई तकरीबन पाँच ऐसी रियासतें थीं बहुत सी रियातें तो दो तीन मील की थी और बहुत सी बड़ी रियास्तें थीं जिनका अभी मैं तस्करा करूंगा कश्मीर भी एक रियासत थी जिस अब फैसला ये हुआ कि ये जो रियासतें हैं राजा और महाराजा हैं इनको ये कहा जाएगा कि या वो हिंदुस्तान में शामिल हों या वो पाकिस्तान में शामिल हों अपनी जुग्राफियाई सिचुएशन को देख के कि वाक़ किस जगह हैं अपने हालात को देखते हुए पापुलेशन की नौीयत को समझते हुए मुसलमान मजार्टी है मुसलमान मजारटी नहीं है इन बातों को सामने रखते हुए रियासत के महाराजा फैसला करेंगे कि वो हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं ये था उसमें बेशतर रियासतों ने फैसला कर लिया बेशतर रियासतें उस इलाके में थी जो हिंदुस्तान था लिहाजा वो हिंदुस्तान में चली गई कह दिया हम तो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं पाकिस्तान में भी तकरीबन दस रियासतें ऐसी थी जो कि पाकिस्तानी इलाके में जो हैं वो पाई जाती हैं और उन रियासतों पे चैलेंज ये था कि वो किस तरह फैसला करेंगी और रियासतों ने बदतदरीज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की दस रियासतें थीं जिसमें सबसे बड़ी रियासत बहावलपुर की रियासत थी जो पाकिस्तानी या सवात थी दूसरी बड़ी रियासत और उससे बड़ी जो रियासत एक जो तीसरी बड़ी रियासत जो थी वो कलेक्शन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी वो बलूचिस्तान स्टेट्स एक तो वो था बलूचिस्तान जिस पे ब्रिटिश रूल करते थे एक बलूचिस्तान वो था जिस पे जो कलात स्टेट है कलात स्टेट का रूलर रूल करता था तो कलात और एलाइड स्टेट्स जो थी ना वो जो है इस इलाके में थी तो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम स्टेट्स या तो इंडिया में चली गई या पाकिस्तान में शामिल हो गई जिस तरह पाकिस्तान में शामिल हो गया कलात और इस किस्म की रियासतें शामिल होती रहीं लेकिन उनकी इकाई की हैसियत कायम रही इनिशियल स्टेज के अंदर वो अपने एक रियासत के तौर पे कायम रहे लेकिन मुल्क का हिस्सा हो गया झगड़ा पड़ा तीन रियासतों पे, और अभी तक एक का मौजूद है जिन रियासतों पे झगड़ा पड़ा नंबर वन वो है जूनागढ़ जूनागढ़ की एक रियासत थी जिसका अभी मैं तस्करा करूँगा इस पर झगड़ा पड़ा दूसरी रियासत जिस पे झगड़ा पड़ा वो थी हैदराबाद हैदराबाद दक्कन एक पाकिस्तान में हैदराबाद सिंध है हम बात कर रहे हैं हैदराबाद जो दक्कन में है हिंदुस्तान में हैदराबाद है उस पे झगड़ा पड़ा और तीसरा झगड़ा जो आज भी जिंदा है वो कश्मीर का ये भी एक रियासत थी तो इसमें मुख्तसरा मैं जिक्र कर दूँ जूनागढ़ जो रियासत थी इसका जो रूलर था वो मुसलमान था और आबादी जो थी वो ज़्यादा नॉन मुस्लिम थी और ये हिंदुस्तान की जो मौजूदा रियासत मौजूदा हिंदुस्तान है ये जूनागढ़ सिचुएटेड है वहाँ की गुजरात स्टेट में पाकिस्तान के साथ इसका कोई टेरिटोरियल लिंक नहीं था यानी जोग्रफ़ी से मिली हुई नहीं थी तो इसके जो रूलर थे उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन करने का फ़ैसला किया मुसलमान रूलर थे लिहाजा उन्होंने 15 सितंबर 1947 को फैसला किया कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा और वो ऐलान किया पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया लेकिन हिंदुस्तान को ये पता था कि उसका कोई बाउंड्री पाकिस्तान से नहीं मिलती लिहाजा उसको पता था कि पाकिस्तान उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता लिहाजा हिंदुस्तान ने उस पर प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया यानी उसके रास्ते बंद सामान तो ज़ाहिर है ज़रूरत की चीज़ें हिंदुस्तान ही से जो हैं वो आती थी और इंडिया ने प्रेशर बिल्ड किया और उसका प्रेशर का नतीजा ये निकला कि जो जूनागढ़ का रूलर था वहाँ से भाग के कराची आ गया और आज भी रियासत जूनागढ़ की जो रूलर की फैमिली है वो कराची में रहती है आम शहरी की तरह कराची में वो रहते हैं वो भाग के कराची आ गया क्योंकि हिंदुस्तान ने नातका बंद कर दिया उसका उसका काम करना मुश्किल हो गया और उसके बाद 1948 में फरवरी 1948 में हिंदुस्तान ने जूनागढ़ पे कब्ज़ा कर लिया इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान के पुराने नक्शे देखें जो नक्शे उन्नीस सौ मेरा ख्याल चौहत्तर पचहत्तर तक छपते रहे हैं अगर आप उन नक्शों को देखें तो पाकिस्तान के नक्शे में जूनागढ़ पे ग्रीन रंग दिखाया जाता था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा था लेकिन एक्चुअली हिंदुस्तान ने 1948 में कब्ज़ा कर लिया तो इस तरह ये जूनागढ़ पे ज़बरदस्ती हिंदुस्तान ने कब्ज़ा हो गया अब जूनागढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा है अब आइए हैदराबाद दक्कन पे हैदराबाद दक्कन जो है वो भी एक मुसलमान रूलर था निज़ाम हैदराबाद जिसको हम कहते थे और काफ़ी अमीर किस्म की रियासत थी अब उसका मसला यही था कि पाकिस्तान के साथ जोग्रफ़ी मिल नहीं मिलता था लिहाजा उसकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान जॉइन करें निज़ाम हैदराबाद का लेकिन उसने जो है ना ये इशारा देना शुरू किया कि वो आज़ाद रहना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ सरहद नहीं मिलती थी लिहाजा अगर उसने देख लिया था हशर जूनागढ़ का तो लिहाजा उसने बजाय इसके कि यह कहने के मैं पाकिस्तान ज्वाइन करता हूँ उसने ये इशारा दिया कि हैदराबाद को आज़ाद किया जाए सेपरेट स्टेट बनाया जाए अब इसमें हिंदुस्तान ने वही काम किया जो जूनागढ़ में हुआ एक तो चूँकि पापुलेशन ज़्यादा नॉन मुस्लिम थी वहाँ शोर शराबा हंगामा वो करवा दिया कांग्रेस का असर था और रास्ते उसके बंद किए और उसके बाद जो है फ़ौज का प्रेशर जो है वो बिल्ड किया और इस प्रेशर की वजह से पुलिस एक्शन हुआ फौज हैदराबाद में दाखिल हो गई इलाके पे कब्जा कर लिया हिंदुस्तान की फ़ौज की हम बात कर रहे हैं और फिर 17 सितंबर 1948 यानी एक साल के बाद निज़ाम को मजबूर किया कि वो हिंदुस्तान में शामिल होने का ऐलान करे जो कि उसने किया और हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया बल्कि निज़ाम हैदराबाद ने एक काम ज़रूर किया था कि उसका अच्छा खासा वेल्थ पैसा लंदन पड़ा हुआ था उसने वो पैसा पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया था वो इसलिए पाकिस्तान हुकूमत को मदद करने के लिए कि पाकिस्तान उसको पता था कि ये इस पर हिंदुस्तान का कब्जा हो जाएगा लिहाजा वो एक सेशन साइन करने से पहले यानी 17 सितंबर 1948 से कुछ पहले उसने वो पैसा जो है हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया कि आप इसको अपनी रियासत नई रियासत के लिए इस्तेमाल करें क्योंकि उन्हें पता था कि ये हो जाएगा हैदराबाद ख़त्म हो गया अब आ जाइए कश्मीर पे ताकि आपको अंदाज़ा हो गया कश्मीर शुरू किस तरह हुआ देखिए कश्मीर का जो मसला है रूलर हिंदू था राजा गुलाब सिंह उसकी फैमिली काफ़ी अरसे से कब्जा किए हुए थी और हुकूमत उसकी थी लेकिन पापुलेशन मजॉरिटी मुस्लिम्स की थी और मुस्लिम्स वो थे जो डिवाइडेड थे कुछ मुस्लिम तो वो थे अच्छे खासे मुस्लिम्स वो थे जो मुस्लिम लीग के हक में थे कुछ ऐसे मुस्लिम भी थे जो कांग्रेस के हक में थे लिहाजा वहाँ पे पुंछ के इलाके में मौजूदा पुंछ जो कश्मीर का है वहाँ पे एक रिवोल्ट होता है राजा के खिलाफ राजा के खिलाफ तहरीक पहले से चल रही थी पुंछ में रिवोल्ट होता है आज़ाद कराने के लिए फिर उसके बाद जो खैबर पखतूनख्वा एन डब्ल्यू एफ पी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है वहाँ से पश्तून हमारे भाई फाइटर्स जो थे ना वो कश्मीर में गए और उन्होंने अच्छे खासे जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो इलाके पे कब्ज़ा कर लिया हिंदुस्तान महाराजा ने हिंदुस्तान से कहा मैं फ़ौज दो ताकि मेरा तख्त जा रहा है ये कहीं श्रीनगर तक न पहुंच जाए हमें फ़ौज दो हिंदुस्तान ने ये कहा अगर आपको फ़ौज चाहिए तो एक सेशन साइन करना होगा तो उसने एक सेशन साइन किया हिंदुस्तान पहले से तैयार बैठा हुआ था फ़ौज को उन्होंने तो उनका तो एजेंडा था कब्ज़ा करना लिहाजा फौज तैयार थी सिर्फ कागज़ी कार्रवाई चाहिए थी सत्ताईस को साइन हुए सत्ताईस अक्टूबर उन्नीस को इंडियन फोर्स जो हैं वो श्रीनगर में आ गई इसीलिए अभी चंद दिन हुए आपने देखा है कि कश्मीरियों ने योम से मनाया था सत्ताईस तारीख को सत्ताईस अक्टूबर को वो योम स्याह इसलिए मनाया था कि सत्ताईस अक्टूबर उन्नीस को इंडियन फोर्सेज कश्मीर में लैंड करती हैं यानी कश्मीर पे जो कब्ज़ा हिंदुस्तान ने किया था वो 27 अक्टूबर को 26 को वो मूव हो गई थी 26 अक्टूबर को फोर्सेस मूव हो गई थी 27 वो डेट है जो ऑफिशियली कही जाती है बल्कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो 26 ही को आ गई थी लेकिन चलिए तो वो योम स्या इसलिए मनाते हैं कश्मीरी कि इस पर हिंदुस्तान की फ़ौज ने कब्ज़ा किया उन्होंने कब्ज़ा किया उसके बाद जो है ना फिर वो आगे जो मूवमेंट थी पश्तून ट्राइब्स मैन की वो रुक गई और वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह ये सिलसिला जो है वो बनता है मसला यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान लेकर गया था ये फैसला कि ये मसला हिंदुस्तान ये कश्मीर का मसला यूएन में जाएगा ये पाकिस्तान नहीं लेके गया हिंदुस्तान लेके गया जनवरी 1948 हिंदुस्तान ने कहा कि जनाब ये देखिए रूलर ने हमारे साथ ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया है और पाकिस्तान वालों ने ये कार्रवाई करके कब्ज़ा कर लिया है जिसको हम आज आज़ाद कश्मीर कहते हैं कब्ज़ा कर लिया है और उसके अलावा एक और बात कहनी ज़रूरी है कि जो ये है ना गिलगत बल्तिस्तान जिसको पहले नॉर्दर्न एरियाज़ कहते थे आज का गिलगत बल्तिस्तान इस इलाके में भी रिवोल्ट हुआ था ये भी एक तरह कश्मीर के महाराजा का हिस्सा था तो वहाँ पे गिलगत स्काउट लोकल रिवोल्ट होता है पाकिस्तान आर्मी ने कुछ नहीं किया वहाँ खैबर खा के लोग कश्मीर में तो पहुँच गए थे आज़ाद कश्मीर में मदद करने के लिए अपने कश्मीरी भाइयों की लेकिन वो गिलगत बल्तिस्तान में इंटरनल रिवोल्ट होता है और इंटरनल रिवोल्ट के बाद गिलगत बल्तिस्तान में गिलगत स्काउट्स ने बड़ा रोल प्ले किया है बल्कि एक ब्रिटिश उसका ऑफिसर था जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने गगत बल्तिस्तान का सपोर्ट की इसलिए आज तक उसको बड़ा इज़्ज़त से नाम लिया जाता है गिलगत बल्तिस्तान ने क्योंकि वो गिलगत स्काउट का इंचार्ज था और उसने रिवोल्ट को आगे चलाया और फिर उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया गिलगत बलता के हम महाराजा से आज़ाद हैं ये गिलगत बल्तिस्तान में हुआ फिर उसके बाद गिलगत बल्तिस्तान ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की उनके लीडर्स जो भी थे उस वक्त फोटी सेवन और फोर्टी एट के कि जनाब हम आज़ाद हो गए हैं महाराजा से हम अब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं लिहाजा वो पाकिस्तान में शामिल हो गए इस तरह गिलगत बल्तिस्तान का भी बड़ा एक स्ट्रगल है और वो अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से आ, महाराजा से आज़ादी हासिल की ऐलान कर दिया आ, और उसके बाद पाकिस्तान से कहा कि जनाब हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं लिहाजा वो पाकिस्तान के साथ आ गए तो कश्मीर का ये हुआ कि कश्मीर में जो केस है आज आपका हम कश्मीर की बात करते हैं वो यूनाइटेड नेशन के तीन रेजोल्यूशंस पे बेस करता है एक है अप्रैल 1948 का अप्रैल 1948 का दूसरा है अगस्त 1948 का तीसरा है जनवरी उन्नीस का अप्रैल 1948, अगस्त 1948, जनवरी उन्नीस सौ उनचास अगरचे और रेजोल्यूशंस भी हैं इसके अलावा लेकिन इन तीन रेजोलूशंस को जब हम इकट्ठा करते हैं जो बुनियादी चीज़ आपके सामने आती है वो आती ये है कि इस इलाके के मुस्तकबिल का फैसला एक रेफरेंडम में होगा जो यूनाइटेड नेशंस करवाएगी उस रेफरेंडम में जो सवाल होगा वो ये होगा कि वेदर दी पीपल ऑफ कश्मीर वांट टू तो जॉइन इंडिया और पाकिस्तान ये सिंपल कि ये किधर जाना है अगर उन्हें हिंदुस्तान का वोट देंगे हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे पाकिस्तान को वोट देंगे पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे ये है लुब्बे लबाब फिर उसमें तफसील है जो हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है क्या बातें किस तरह होगा क्या होगा उसके बाद एफर्ट्स भी हुई हैं इनिशली हिंदुस्तान ने इस रेजोलूशन को एक्सेप्ट किया है जब ये फोर्टी में जो वो केस लेके गए हैं उस वक्त भी हिंदुस्तान ने कहा कि कश्मीर के मुस्तिल का फैसला कश्मीरी करेंगे हिंदुस्तान नहीं करेगा इन रेजोल्यूशंस को जिनका मैंने तस्करा किया है हिंदुस्तान ने इनको एक्सेप्ट किया कि हां यहां पे रेफरेंडम होगा लेकिन उन्नीस और त्रेपन में बदल गए हिंदुस्तान वाले वजह यह थी कि उनका ख्याल ये था कि हम रेफरेंडम जीत जाएंगे ख्याल था कि आखिर वहां मुस्लिम कांग्रेस की भी तो सपोर्ट मौजूद थी ना लेकिन उन्नीस सौ तक उनको यह पता लग गया कि यह नहीं हो सकता अगर रेफरेंडम हुआ फ़ैसला पाकिस्तान के हक में चला जाएगा लिहाजा आप अगर हिस्ट्री को पढ़ें डिटेल में पढ़ें तो बावन और तिरपन से उन्नीस सौ बावन और उन्नीस सौ त्रेपन से आपको नज़र आता है कि हिंदुस्तान बदल जाता है और आज तो बिल्कुल ही छुट्टी हो गया है आज तो वो कहता है रेजोल्यूशन ही बेमाने हैं वो कहता है यह है कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन बेमाने हैं ख़त्म हो गए इरेलीवेंट हो गए जो है देखिए कानूनी और तौर पर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन उस वक्त तक रेलिवेंट होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जब तक सिक्योरिटी काउंसिल उनको खुद ना बदल दे सिक्योरिटी काउंसिल नए रेजोल्यूशन से पुराने रेजोल्यूशन को ख़त्म कर सकती है लेकिन प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशन की ये है कि उन रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट वो खुद नहीं कर सकती जब तक के बड़ी ताकतें उसको इम्प्लीमेंट ना करवाना चाहें क्योंकि उसके पास अपनी कोई फोर्स तो नहीं है ना यूनाइटेड नेशन के पास कि वो भेजे और ज़बरदस्ती वहाँ करवा दें वो नहीं हो सकता तो हिंदुस्तान ने 1952-53 के बाद रेजोल्यूशन को बदल दिया उन्होंने कहा उनकी पहली आर्गूमेंट ये थी कि देखे जी वहाँ की इसम्बली स्टेट असम्बली का इंतखब हो गया है लिहाजा ये जो इंतखब है इसम्बली का वहाँ की जो सूबाई असम्बली का ये रिप्लेस करता है रेफरेंडम को अगर इंतखा में लोगों ने हिस्सा लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं यूनाइट नेशन का इस पर भी रेजोलूशन है कि ये अंदरूनी इंतबात से रेफरेंडम की बात गलत नहीं हो जाती या रेफरेंडम ख़त्म की ज़रूरत ख़त्म नहीं हो जाती उसकी हैसियत अपनी जगह कायम है लेकिन अब ये एक सियासी मसले था कि एक लंबा किस्सा है कि क्यों रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं होते उसमें क्या एक कुछ लीगल इशूज़ हैं ज़्यादा पोलिटिकल इशूज़ हैं तो वो एक डिफरेंट डिस्कशन होती है सिर्फ मैं कश्मीर का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपको बेसिस का पता हो कि ये आखिर शुरू किस तरह हुआ था और इब्तदान हिंदुस्तान ने रेफरेंडम परस कहा था बाद में भाग गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का अब भी मुतालबा है कि फैसला यूनाइटेड नेशन के रेज़ोलूशन के मुताबिक हो लेकिन आलमी सियासत की नौीयत इस वक्त ऐसी है कि उस रेफरेंडम के होने के इम्कान नहीं हैं क्योंकि जब तक बड़ी ताकतें सारी बड़ी ताकतें एग्री ना कर जाएँ इकट्ठी ना हो जाएँ उस वक्त तक यूएन कुछ नहीं कर सकती और यही वजह है कि रेजोल्यूशन किताब पे मौजूद हैं पाकिस्तान उनको रेज करता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे अब उसके लिए क्या रास्ता है वो एक डिफरेंट बहस है लेकिन इस तरह आप ये देखें कि ये है ओरिजिन ऑफ द कश्मीर और अगेन ये जो औरजन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम है ये आप देखिए 1947 में जाकर जो है वो जो है वो आपको नज़र आती है तो इस तरह जो मैंने अभी गुफ्तु की है वो बुनियादी तौर पर आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बड़ी अहम है 1947 का वो ज़माना मुश्किल का ज़माना एक बड़े चैलेंजेस का ज़माना था लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप राइटिंग्स को पढ़ें उस ज़माने की राइटिंग्स मिलती अखबार भी मिल जाते हैं आपको किताबें भी मिल जाती हैं जो उस वक्त पब्लिश हुई हैं बयान भी लोगों के मिल जाते हैं अक्सर का ख्याल था कि पाकिस्तान चल नहीं सकेगा लेकिन यह है कौम की डिटर्मिनेशन या वो कुर्बानी का जज्बा जो इनिशियल स्टेजेस में था मसलन आज हम हर वक्त अखबार उठाएं करप्शन की कहानियां चल रही होती हैं फलाँ लीडर ये कर रहा है बड़ मतलब बड़ी बड़ी बातें कुछ सच होती हैं कुछ झूठ होती हैं दोनों चीज़ें हम इकट्ठी कर लेते हैं लेकिन अगर आप चले जाए ना पीछे इवन सिक्सटीज़ के दौर में आपको करप्शन की लीडरों के बारे में ना होने के बराबर स्टोरीज़ मिलती हैं और जो सिक्योरिटी के इश्यूज थे वो ज़ाहिर है उस जमाने में नहीं थे इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है कि कायद आजम जब आखिरी दफ़ा कोटे से कराची पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे ये नहीं था कि पूरी हुकूमत उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी क्योंकि कायद आज़म का ऑर्डर था कि अलावा उनके पर्सनल स्टाफ के कोई बंदा कोई ऑफिशल ना इवन प्राइम मिनिस्टर उनको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट नहीं आएगा सिर्फ उनका पर्सनल स्टाफ जो गवर्नर जनरल का पर्सनल स्टाफ सेक्रेटरी और ड्राइवर और पर्सनल स्टाफ आएगा और किसी को कायद अज़म की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि उनका इस्तकबाल करेगा तो वो आते हैं और उनकी ही जो एम्बुलेंस है वो ख़राब हो जाती है इससे अंदाज़ा करें यानी उस वक्त पाकिस्तान की हालत ये थी कि गवर्नर जनरल जो है एक गवर्नर जनरल था और एक उसके साथ एक गाड़ी थी उसके स्टाफ की गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जा रहा है सिर्फ दो गाड़ियाँ आज जरा देखें ना प्राइम मिनिस्टर का जुलूस जब जाता है चालीस चालीस गाड़ियाँ चली जा रही होती हैं वहाँ क्या था एक गा एम्बुलेंस थी जिसमें गवर्नर जनरल साहब लेटे हुए तो फातमा जिना उनके साथ थी एक नर्स उनके साथ थी एम्बुलेंस में दूसरी गाड़ी में उनका पर्सनल स्टाफ था और वो उनकी वो गाड़ी ख़राब हो जाती है एम्बुलेंस ख़राब था और घंटे के बाद कहीं जाके वो एम्बुलेंस आती है तो इससे अंदाज़ा कर लें कि एक तो रिसोर्स हमारे कितने थे एक हमारे लीडरान कितने सादा ज़िंदगी जो है वो गुजारते थे और कायद अज़म के बारे में ये मशहूर था कि वो अपने गवर्नर जनरल के हाउस के अखराजा को कंट्रोल करते देखते थे अगर उन्हें ये अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ पर्सनल है वो फिर ऑफिशल ख़र्च से पैसे नहीं देते वो अपनी जेब से देंगे पैसे कि ये क्योंकि गवर्नर जनरल के लिए ज़रूरी नहीं है ये मेरा ज़ाती है लिहाजा इसका पैसा मैं खुद दूंगा तो वो इखलाक और वो कदरें जो हमें उस वक्त नज़र आती हैं जो हमें आज किताबों में मिलती हैं उनका होना जो है वो बहुत ज़रूरी है तो इस तरह ये इब्तदाई मुश्किल थी जिनका मैंने तस्करा किया आप इन पर गौर करें किन मुश्किल से निकल कर ये मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हुआ है और किस तरह लोगों की प्रिडिक्शंस जो हैं वो ग़लत साबित हुई